वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ्री फायर के अंदर इस तरीके से दिखाई देता है मैचिंग टाइम आउट MM8, ठीक है, तो मतलब कि स्टार्ट नहीं हो पाता है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब एक ओल्ड वर्जन होता है और एक लेटेस्ट वर्जन होता है, लेकिन लोग जो है ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चले जाते हैं, और तब आप इसको स्टार्ट करते हैं ओल्ड वर्जन में, तो आपको इस तरीके से दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा तब भी आपको इस तरीके से इशू दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अगर आप किसी और कंट्री से सर्वर वगैरह लगा कर खेल रहे हैं तो तब भी आपको दिखाई दे सकता है। तो अब इसको यहाँ से मतलब कि ठीक कैसे करें बिल्कुल, जो ये हमें ना दिखाई दे, तो उस सिचुएशन में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और फ्री फायर को सर्च कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, अगर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो तीनों पर टिक लगाकर ओके कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, फिर बैक ले आइएगा, बैक लाइएगा और बैक ले आइएगा, बैक ले आइएगा। उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड से मोबाइल नेटवर्क पर जाइएगा, जिस सिम कार्ड में इंटरनेट चल रहा हो उस पर जाइएगा, और यहाँ पर आपको नेटवर्क पर जाना है और ऑटोमेटिकली से इसको हटाकर एक दफ़े इसको सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद लग जाएगा। प्रेफर्ड टाइप को यहाँ पर 2G पर लगाइए, फिर 5G पर लगा दीजिए, जो भी लेटेस्ट हो प्रेफर करता हो उस पर लगा दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से बैक ले आइए और प्ले स्टोर में जाइए और फ्री फायर को सर्च करिए। फ्री फायर के अंदर अगर आपको अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अपडेट करने के बाद भी अगर एकदम सॉल्व नहीं होगी आपकी, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।